My name is Lulu. Okay, nice meeting you, Lulu. हो गया 6 साल हो गया. 6 साल हो गया. तो यहाँ की जो खुशबू आ रही है पूरे ढाबे वाले. Maybe see you next time in New Jersey. I've been to Agra, Jaipur, and New Delhi. I'm from New Delhi. No. Hello, guys from Connecticut. और last video में आप लोगों ने देखा था New York. तो New York से हम लोग 2 घंटे drive करके पहुँच गए हैं Connecticut की एक छोटी सी city में, जिसका नाम है Glastonbury. और ये यहाँ पे यार कुछ सिटी के नाम ऐसे होते हैं, मेरे को भी है ना उनको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है जब जाके समझ में आते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे रात को, और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो कनेडिकेट की जो राजधानी है ना उसका नाम है हार्टफोर्ड. तो हम लोग वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं. और मैंने जो एक चीज़ नोट की है, अभी फॉल सीज़न आ गया है, और जैसे मैं फ्लोरिडा से हूँ, फ्लोरिडा में तो फॉल सीज़न में जो ट्री होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका है ना कलर ग्रीन ही रहता है. आप देखोगे नहीं कुछ इतना चेंज हो रहा होता है. बट जैसे आप नॉर्थ में आते हो, जो अमेरिका में, जैसे अभी मैं आया हूँ फ्लोरिडा से, नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा. ये कलर्स देख रहे हो आप, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिटी के बीचों बीच में. और सिटी की जान ये है मेरे पीछे, कैपिटल बिल्डिंग. इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को मैं टूर कराता हूं बिल्डिंग का. कैमरो ऑफ व्हाट? कैपिटल ऑफ कनेडिकेट. कनेडिकेट हार्टफोर्ड कनेडिकेट. तो ये बिल्डिंग है काफ़ी, एक्चुअली में काफ़ी अच्छी बिल्डिंग लग रही है. और इसके बारे में पढ़ा है ये 148 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है, और अभी भी अगर देखने में लग रही है कि इतनी पुरानी नहीं लग रही है. I just know it's 148 years old. Why? How did you know it's 148? I checked online. You know, Google. Google is amazing. He checked online. Yeah. Google is amazing. मतलब मैं जब भी किसी सिटी में जाता हूँ तो मैं गूगल से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ले लेता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो मैंने पढ़ा कि ये बिल्डिंग 148 ईयर्स ओल्ड है, बट जब मैं पास में अभी देख रहा हूँ बिल्कुल मुझे लग नहीं रहा कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है. और यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने जो है हिस्ट्री दिखाई हुई है कनेडिकेट की, और ये यहाँ पे इन्होंने काफ़ी डिज़ाइन भी बनाए हुए. They're wearing funny clothes. मिस्टर डेरिक बहुत फनी है. बस एक मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं है, 3-4 कार खड़ी हुई है. मुझे लग रहा है कोविड की वजह से कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है. तो चलो. Honey, I'm home. Oh my God. Oh, they're closed. It's closed. तो कोविड की वजह से जहाँ पे भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं मोस्टली चीज़ें सब बंद है. और ऑनलाइन भी इन्होंने ज़्यादा अपडेट नहीं किया हुआ. मैंने ऑनलाइन देखा था, कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि क्लोज्ड है. बट यहाँ पे देखते हैं अगर यहाँ से कोई नज़ारा आ जाए आप लोगों को, तो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है अगर आप देख रहे हो तो. तो यही है. सो लेट्स गो and show something else now. Did you look in? Yeah, a little bit. Oh, look! There's a picture of me in there. Oh my God. Yeah, look. It's called reflection. Oh. Well, it should be in there. Mr. Derek शीशे के सामने खड़े होके बोल रहे हैं मैं अंदर दिख रहा हूँ रिफ्लेक्शन से. अच्छा, अब इसके सामने ही एक पार्क है. व्हाट्स द पार्क नेम? बुशनेल. बुशनेल. इसके सामने बहुत ही खूबसूरत पार्क है. One more thing you told me something is over there. There's a soldiers memorial. Okay. Yeah. तो यहाँ पे मेमोरियल है, पार्क है, तो थोड़ा यहाँ पे घूमते हैं. It looks very similar to Indian Gate. India Gate. India Gate. Excuse me. In New Delhi. Okay. Yeah, sort of. Not exactly, but sort of. तो चलो आप लोगों को यहाँ का इंडिया गेट दिखाते हैं जो मिस्टर डेरिक बोल रहे हैं. You're from India, right? Yeah, I'm originally from India, but I live in Orlando. Because I've been to India. Oh, really? Where have you been in India? My husband's best friend is Indian. Okay. So we went to Chandigarh. That's where the wedding was. Okay. I've been to Agra, Jaipur, and New Delhi. I'm from New Delhi. No. I love India. You like Indian food? I love Indian. My kids too. Oh really? Oh yeah. They like spicy? I'm Nigerian. Okay. So, gotcha. Spicy, yeah. Spicy, good.
Yes, we love Indian food. Oh, that's good. Nice to know you like India. Yes, I love India. Okay, thank you. जो मुझसे बात कर रहे थे सिटी के बारे में, मैं उनसे कुछ पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि आप मुझे इंडिया से लग रहे हैं। मैं बोला कि हाँ मैं इंडिया से हूँ, न्यू दिल्ली से। तो बता रहे थे इंडिया में उन्होंने आगरा में ट्रैवल किया और बहुत सारी जगहों में न्यू दिल्ली पे, तो कह रहे थे हमें बहुत ही अच्छा लगता है इंडिया और इंडिया का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि लोग जब इंडिया में ट्रैवल करते हैं और उसके बाद यहाँ अमेरिका वापस आते हैं और उसके बाद इंडिया की तारीफ़ करते हैं, तो वो सुनना एक अच्छा लगता है कि वहाँ पे इंडियन लोगों ने बहुत अच्छा इन लोगों को ट्रीट किया होगा, तभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर कोई भी टूरिस्ट आता है इंडिया में और आपको लगता है कि कोई आसपास में लोग उनको परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, टूरिस्ट को वापस अपनी कंट्री में आके इंडिया की तारीफ़ करेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं पूरा पार्क का टूर करके और अब हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन आप लोग को दिखाने के लिए। डाउनटाउन। So you going to walk to downtown or drive? Yeah, I'm a fly. You meet me there. तो बड़े ही पास में ये है, वहाँ पे डाउनटाउन है। मैं मिस्टर डेरिक को बोल रहा हूँ कि आप पैदल चलें, बट मिस्टर डेरिक कह रहे हैं कि कार में। यू कैन फ्लाई, आई विल मीट यू ओवर देयर। आई नीड टॉयलेट। टॉयलेट, टॉयलेट हंटिंग। मेरे को लग रहा है ये जो सीरीज है ना, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ अमेरिकन रोड ट्रिप से अमेरिकन टॉयलेट सीरीज, क्योंकि मिस्टर जो डैरिक हैं वो जब से टॉयलेट ही ढूंढते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। तो आ गए हम लोग यहाँ के डाउनटाउन में और डाउनटाउन जो मेरे को लग रहा है काफ़ी हिस्टोरिकल सा और काफ़ी ब्यूटीफुल डाउनटाउन लग रहा है। देखो काफ़ी जो बिल्डिंगें हैं काफ़ी ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी पुराने ज़माने की बिल्डिंगें हैं, क्योंकि ये जो सिटी है ये काफ़ी पुरानी सिटी है। ये जो अमेरिका की 13 ओरिजिनल कॉलोनी थी, ये जो स्टेट है उनमें से एक है। एंड यू नो अबाउट हाउ ओल्ड दिस सिटी? आई रियली डोंट। यू रियली डोंट? नो, आई डोंट। गूगल। गूगल, यू कैन गूगल इट। तो अभी मैं मिस्टर डेरिक से पूछा था ये जो सिटी है कितनी पुरानी है, मिस्टर डेरिक गूगल करके बताएंगे। तो यहाँ पे गूगल महाराज है मिस्टर डेरिक। हाउ ओल्ड इज हार्टफोर्ड, कनेटिकट? हियर इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम विकिपीडिया। 1635, almost 400 years. Yeah, not far from 400. तो almost 400 साल पुरानी सिटी है ये। Welcome to New Haven, but this is Hartford. Uh-huh. Hartford is like similar to New Haven in the city. They got the good parts, this is the good part of Hartford. Okay. And then, don't forget right there, back downtown, that's a big, you got the Christie going there. Oh really? Yeah, well, no. No, seriously. You know, then... तो यहाँ पे अभी एक बंदा मिला था जो हम लोगों से पैसे मांग रहा था, तो हमने उसे पैसे दे दिए और हमने उसे बोला कि चल सिटी के बारे में भी बता दे कि भैया तू घूमता रहता है यहाँ। तो उसने बताया कि सिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा जगह है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बट उसके सवाए उसने ये भी बोला है उसके साथ कि इस सिटी में क्राइम भी है, तो रात के टाइम में थोड़ा सा बच के रहना। चलते चलते हमें दिख गया है कि यहाँ पे इंडियन ढाबा, तो चलते हैं ढाबे में। I like spicy food, so what might be spicy, somebody might not be spicy. Okay. अभी आ गया हूँ मैं ढाबे पे और मैंने यहाँ पे लिया मैंगो लस्सी और देखते हैं कि यहाँ की मैंगो लस्सी कैसी है। पहले मैं जब इंडिया के अंदर था मैंने कभी ऐसे मैंगो लस्सी वगैरह पी नहीं थी, बट अमेरिका में आया हूँ तो मैंने काफ़ी देखा है यहाँ पे। अच्छा, अगर बहुत बढ़िया है ये। इनको भी आपका फूड पसंद आ गया, देखो कितनी तारीफ हो रही है आपके खाने की। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरा फूड पसंद के लिए, तो आते रहिए आप लोग। तो आपके जो किचन में खाना बना रहे हैं वो इंडिया से है नेपाल से? सब नेपाल से है। चाहते तो ले सकते तो सब लोग नेपाल से है जो इंडिया का खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे अपने इंडिया से है जो खाना खा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो बुरा टेस्ट है इंडिया जैसा है। यस यस, बिल्कुल इंडिया जैसा है। यस, पूरा इंडिया जैसा टेस्ट है। तो आप लोग की आप किचन विजिट करेंगे? आइए। हाँ बिल्कुल विजिट करते हैं मास्क पहन के। मैं एक बार इनसे थोड़ा बात करूं। ठीक है भाई। तो आप लोगों को खाना भी यहाँ का पसंद आ रहा है? हमारा खाना आ रहा है और दाल फ्राई और क्या है, दाल पराठा और रोटी पराठा। आज सब टेस्ट करने वाले हो आप? रेस्टोरेंट के ओनर उन्होंने कहा है कि हमारा किचन देखो आप।
तो सब लोग ये जो खाना बना रहे हैं नेपाल से हैं? हाँ जी, सब लोग नेपाल से हैं। और ये यहाँ क्या बना रहे हो? तंदूरी चिकन। यहाँ बन रहा है तंदूरी चिकन। हाँ जी। और ये बन क्या बन रहा है? दाल मखनी। ये दाल मखनी बन रहा है और वो चिकन नूडल, चिकन आका नूडल। अच्छा, बढ़िया। अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश। कैलाश? हाँ जी। कहाँ, नेपाल में कहाँ से हो आप? नेपाल विराटनगर से है। अच्छा, नेपाल में वो काठमांडू पता है उसके? हाँ जी, हाँ जी, उसके पास है वो, से थोड़ा दूर है। अच्छा, इस साइड में पड़ता है। इस साइड में है। तो कब से आप खाना बना रहे हो? मैं 13 ईयर्स से। 14 ईयर्स से। चलो बहुत बढ़िया। खुशबू मेरे को बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे ना। तो यहाँ की जो खुशबू आ रही है पूरे ढाबे वाली है। ये हमारा मेन शेफ है यहाँ। ये मेन शेफ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। संतोष, आप कहाँ से हो? नेपाल। नेपाल से, नेपाल बागलुंग से मैं। अच्छा, आप कब से बना रहे हो खाना? मेरा हो गया 6 साल हो गया। पूरा 6 साल हो गया पूरा। मेरे को जो खुशबू आ रहा है स्ट्रीट फूड वाली आ रही है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली का स्ट्रीट फूड। यहाँ ये दिल्ली वाला स्ट्रीट फूड है। यहाँ मेरे को खुशबू ऐसी आ रही है जैसे नई दिल्ली के फूड की है। तो यहाँ किचन में बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत तड़के लग रहे हैं। वेयर यू फ्रॉम? ओके, माय नेम इज लुलु। ओके, नाइस मीटिंग यू लुलु। You know, begin working here. Uh-huh. So I have to show them how, I have to prove my experience. Uh-huh. And then show them how clean I am. Uh-huh. I'm a clean freak. I like this place to be clean. So you like Indian food? I tried it. I like, yeah, I do. But I don't like eat a lot of it. Uh-huh. But you know, I used to try like some food. It's so good. Uh-huh. You don't think so? Indian food is spicy, like mostly Americans, my friend, they said Indian food is too spicy. Yeah, too spicy. I don't like too spicy. You don't like? Only a little bit. Okay, bye. तो ये भी मैं था किचन में और बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है और बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। ओके भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। मे बी सी यू नेक्स्ट टाइम इन न्यू जर्सी। मे बी टुनाइट और टुमारो। या तो अभी मेरे को मिले थे इंडिया से और नेपाल से जो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ये है यहाँ पे इनका इंडियन ढाबा और जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं वो हैं नेपाल से। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पूरा किचन वगैरह दिखाया मुझे और जो खाना बना रहे थे बड़ा अच्छा बना रहे थे। एक अमेरिकन लेडी थी वो भी काम कर रही थी वहाँ पर। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कार की तरफ और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रोध आइलैंड की तरफ। तो अभी जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी अमेरिका का जो सबसे छोटा स्टेट है। बहुत ही छोटा है, मतलब एक घंटे में आप पूरा स्टेट ही कवर कर सकते हो, इतना छोटा स्टेट है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो देखने को मिलेगा। तो अब बस हम लोग वहाँ की तरफ निकलते हैं। Hey guys, what's up? You guys from this town? Yeah, it's down the street. It's fun. Oh, like, really? There's people like doing tricks and everything. That breaks all people's bones, though. Or you have been to the personal park? Yeah, we did that. It was empty. Nobody was there, man. Because the coronavirus. Like, yeah. Normally it's packed. Nice meeting you guys. Bye. So, अभी मैं इन लड़कों से पूछ रहा था कि भैया, टाउन में बहुत खाली खाली लग रहा है, क्यों लग रहा है?